Auzubillahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Bust on Biology. Today we will discuss about something absorption spectrum and action spectrum of chlorophyll and carotenoid. Aaj hum absorption spectrum aur action spectrum ke action spectrum of chlorophyll and carotenoid ke bare mein padhenge. और इसके अलावा हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस एंड रोल ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस. सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड, इसमें कुछ लाइट के बारे में लिखा है कि लाइट के बगैर जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती. जब लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी. फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टॉप होगी. यहाँ पर मैंने एक ब्लू ग्रीन और रेड वाला जो है ये वाला जो फ्रैगमेंट है ये यहाँ पर ड्रा की है. ये 380 नैनोमीटर से लेकर 700 या 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है जो हमें नज़र आ रही है, जो कि सूरज की रोशनी है वो हमें नज़र आ रही है. उस सूरज की रोशनी में डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं, लाइट प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट जो है उसे एब्जॉर्ब करती है. इसके अलावा जो हम लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको एक इंस्ट्रूमेंट से हम मैयर करते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं. द इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि जो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मैयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम. ये एक स्पेक्ट्रम की पार्ट है और इसमें हम डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है उसके बारे में हम पता करते हैं कि इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम इसे चेक करते हैं डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ को. अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरफ के व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास असल में क्या चीज़ है, ये वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. जैसे कि नाम से जाहिर है एब्जॉर्प्शन मीन किसी चीज़ को जज्ब करना. तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है और लाइट की बात हो रही है. तो ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. अब वो एब्जॉर्ब करेंगे किस चीज़ को, लाइट को. तो ये एक असल में एक ग्राफ है, ग्राफ प्लॉटिंग टू चेक एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाई डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये चेक करते हैं कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट फोटोसिंथेटिक की जो पिगमेंट है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्टिवेट होती है या ड्राइव होती है. इसके अलावा ग्राफ ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ लाइट, ये एक ग्राफ होती है रिलेटिव अमाउंट ऑफ लाइट की एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ बाय पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उससे हमारे साथ जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा. अब हम आते हैं इस ग्राफ की तरफ. तो यहाँ पर वेवलेंथ है लाइट, किस चीज़ की वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ है और ये एब्जॉर्प्शन है. तो ये जो ग्रीन वाला है ये वाला क्लोरोफिल ए, इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से मैंने ड्रा की है. तो 380 से ये स्टार्ट हुआ है. अगर आप देख लें तो 380 से ये ऊपर जा रहा है और अप टू 400, अगर आप इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें अप टू 400 क्लोरोफिल ए की जो पिगमेंट है वो ब्लू लाइट को बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर रहा है. यहाँ पर 380 है, 400 है, अप टू 450, ये अप टू 450 या 460 ये जो ब्लू वेवलेंथ की लाइट है ये क्लोरोफिल ए बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है. फिर होते होते 460 से लेकर यहाँ पर 620 या 640 तक ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता. दैट्स वाई क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन. हम ये कहते हैं कि क्लोरोफिल आर ग्रीन इन कलर. ये असल में क्लोरोफिल क्यों ग्रीन कलर है, क्योंकि जो चीज़ जिस भी वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो चीज़ हमें इस तरह दिखाई देगी. जिस तरह हमें वो जो ब्लैक कलर जो हमें दिखाई देता है
वो सारी जो वेवलेंथ की लाइट है वो उसे एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वो नहीं करता। और इसके अलावा जो वाइट लाइट है वो सारी वेवलेंथ की जो लाइट है, जो विजिबल लाइट है, उनको रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स वाई हमें वो चीज़ सफ़ेद दिखाई देती है। इसके अलावा क्लोरोपेल बी की जो मॉलिक्यूल है, इसकी ग्राफ भी कुछ इस तरह है कि राउंड अबाउट 480 या 490 से लेकर इसकी ग्राफ शुरू होती है और होते होते अप टू 450 460 तक इस ये अच्छी तरह से जो लाइट है, वेवलेंथ की लाइट है, किस 460 से लेकर बल्कि 380 से लेकर अप टू 500 की वेवलेंथ की जो लाइट है उसमें ब्लू भी आती है, उसमें ग्रीन भी आती है। तो क्लोरोपेल बी की मैं बात कर रहा हूँ जो ब्लू कलर की है, अप टू 500 नैनोमीटर की जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब करता है। और ये क्लोरोपेल बी भी हमें ग्रीन नज़र आता है अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ये ग्रीन वेवलेंथ की जो लाइट है उनको रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा फिर हमने होते होते अप टू 640 30 से 30 के बाद या 600 से लेकर अप टू 700 ये रेड वेवलेंथ की जो लाइट है उसे भी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ इस रेड के बाद फिर ब्राउन कलर शुरू हो जाता है, तो ब्राउन कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद जो ग्रीन जो रेड कलर की है कैरोटीनॉइड, तो कैरोटीनॉइड भी क्लोरोपेल ए और क्लोरोपेल बी की तरह 380 नैनोमीटर की जो लाइट है उससे लेकर अप टू 500 तक की वेवलेंथ की जो लाइट है उन्हें एब्जॉर्ब करता है और फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि कैरोटीनॉइड की हम अगर बात करें तो वो हमें रेड और येलो नज़र आता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 500 या 600 से लेकर फिर रेड कलर शुरू होता है, तो कैरोटीनॉइड रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से वो हमें रेड दिखाई देता है। तो ये सारी बातें थी एब्जॉर्प्शन। अब इस एब्जॉर्प्शन के बेस पर हम देखेंगे कि इस इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की एक्शन क्या है। अब ये फोटोसिंथेसिस इन ही लाइट की वजह से होगा जो इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की है। तो इसको हम अब पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम में। एक्शन स्पेक्ट्रम असल में ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है असल में ये भी हमें एक ग्राफ शो करता है। किस तरह ग्राफ शो करता है ये हमें बताता है कि जो 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 लाइट जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की है। अब इनके बेसिस पर हम देखेंगे कि बेसिस पर हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने जो लाइट एब्जॉर्ब की है आया उससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ड्राइव होगी या कुछ और लाइट होंगी जो एब्जॉर्ब हुई है और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होगी। तो यहाँ पर भी इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ग्राफ प्लॉटिंग टू चेक द एक इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट एब्जॉर्ब टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस। अब जो लाइट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब की गई, अब हम इनकी इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि ये कितनी इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए या उसे स्टार्ट करने के लिए। तो ये भी हमारे पास वेवलेंथ की लाइट है और ये भी एब्जॉर्प रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन ये भी है। तो जो ये वाला ये फर्स्ट नंबर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसकी अब हम ये वाला जो है इन सारों को मिला के क्लोरोपेल ए क्लोरोपेल बी और कैरोटीनॉइड इन सारों को मिला के हमने ये वाला ग्राफ जो है ये बना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 450 से लेकर अप टू 650 तक यहाँ पर एक फ्लैट लाइन है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइट जो है वो क्लोरोपेल ए ने एब्जॉर्ब की है, कुछ लाइट क्लोरोपेल बी ने एब्जॉर्ब की है, कुछ लाइट कैरोटीनॉइड ने एब्जॉर्ब की है। तो इन सारी एब्जॉर्ब लाइट को मिला के यहाँ पर कुछ न कुछ फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो रही है। ये मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है ये फर्स्ट वन हुए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ ये वाला यहाँ पर ये इसकी ये जो लाइन है ये जीरो पर नहीं है लेकिन थोड़ा ऊपर है। इससे मतलब है कि यहाँ पर भी कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो
तो ये वाला ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन सारों की कंबाइन जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो यहाँ पर कुछ है। लेकिन हम जब इसकी एक्शन को स्टडी करेंगे तो ये ग्राफ जो है एक्शन स्पेक्ट्रम की जो ग्राफ है ये वाला, ये ब्लैक कलर में जो आपको दिखाई देता दे रहा है, ये कुछ न कुछ डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इक्वल है, बट इन सम एरियाज और इन सम प्लेसेस ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है उससे कुछ डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस बुनियाद पर है? ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कैरोटीनॉइड की बुनियाद पे है। तो दैट्स ऑल अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट्स सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अब हम मैक्सिमम लाइट और लीस्ट एब्जॉर्ब लाइट वेवलेंथ की लाइट के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन जो हो रही है वो 400 से लेकर 500 की रेंज जो है, ये वाला जो रेंज है ये वाला 400 से लेकर अप टू 500, यहाँ पर मोस्टली लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। और 600 से लेकर 750 तक जो है, 600 लेकर 750 या 700 तक लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। इसके अलावा जो लीस्ट एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो 500 से लेकर लेकर 600 तक, यहाँ पर जो 500 से लेकर 600 जो है यहाँ पर लीस्ट अमाउंट ऑफ, ऐसा नहीं है कि लाइट बिल्कुल ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लीस्ट अमाउंट कम अमाउंट पे लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। ग्रीन एंड येलो जो यहाँ 500 से 600 तक, ये ग्रीन एंड येलो की वेवलेंथ की लाइट है। द ग्रीन लाइट इज डार्कर विच मास्क द येलो लाइट, दैट्स वाई क्लोरोपिल अपीयर ग्रीन। ये तो आम बात है कि ग्रीन लाइट जो है वो डार्कर होता है एज कंपेयर टू येलो। सो ग्रीन लाइट, हमें पत्ते क्यों ग्रीन दिखाई देते हैं? क्योंकि ग्रीन लाइट डार्क होता है और उसने येलो कलर को मास्क किया हुआ था, या ग्रीन कलर रिसेसिव है, डोमिनेंट है एज कंपेयर टू डोमिनेंट है किसके ऊपर? येलो लाइट के ऊपर। जो सो दैट्स वाई क्लोरोपिल अपीयर ग्रीन, क्लोरोपिल हमें ग्रीन नज़र आता है। और ये फोटोसिंथेटिक जो पैगमेंट है क्लोरोपिल ए जो है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस, या फोटोसिंथेसिस की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो रोल है, अब हम इसको पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है और एब्सेंस में क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन में कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल में फिक्स होती है। जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर जो बना है C6H12O6 ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। शुगर की या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की जो मॉलिक्यूल है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी बनता है जो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से आती है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है, हम इंशाल्लाह रोल ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मोस्ट कंपोनेंट है। कार्बन कार्बन चेन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन अगर आपको पता है तो यह हमारे पास जो ये वाला है कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बैकबोन कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। तो ये कार्बन जो है ये हाइड्रोकार्बन की बैकबोन है, बैकबोन का काम भी करता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिंक होता है, लिंकिंग द मोनोसैकेराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोसैकेराइड है उनमें हमें दिखाई देगा कि कार्बन किसके साथ अटैच हुआ है? ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है। इसके अलावा अगर कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ लिंक होगा अमीनो एसिड तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है, एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा
तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट आकर, तो फोटोसिंथेसिस फिर नहीं होगी। इसके अलावा है रोल ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। अब हम वाटर की जो इम्पोर्टेंस है, वाटर का जो रोल है फोटोसिंथेसिस में वो पढ़ेंगे। वाटर जो है ये एक रॉ मटेरियल व्हिच इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो है ये एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब ये ब्रेक होता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। द हाइड्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन फिर किसके साथ कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा, यहाँ पर अभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन किसके साथ बाइंड करेगा, फार्मिंग ऑर्गेनिक फूड वाइल ऑक्सीजन रिलीज इन टू एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन जो है वो तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से हम बार बार पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लीफ में प्रेजेंट होता है, जो रूट के जरिए लीफ तक चला जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल जो है या C6H12O6 बन जाता है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है और ऑक्सीजन बन जाता है। तो ऑक्सीजन तो हवा में उड़ जाता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहते हैं, और ये प्लांट की बॉडी में स्टोर होता है। ऑक्सीजन व्हाई ऑक्सीजन इज सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो है क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हम इन्हें देते हैं। तो नीडेड फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन जब हम सांस लेते हैं तो इसे फूड मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वहाँ पर भी ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस का पता हमें चल जाता है। और इसके अलावा नीड फॉर केमिकल रिएक्शन फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ एनर्जी, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उससे एनर्जी हासिल करें। पहले ये समझा जाता था कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है, जब ये ब्रेक होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो जो ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर में नज़र आता है या हम जिसे हम फील करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। लेकिन वान नील एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1930 में हमें बताया कि जो ऑक्सीजन हमें फील होता है या हमें नज़र आता है ये कहाँ से आता है, ये हाइड्रोजन से आता है। ये साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ सालों तक जिंदा रहा, फिर उसकी मौत हो गई। तो 1937 से लेकर 1940 तक बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया कि वाकई जो ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो आती है कि वो वाटर से आती है। क्योंकि पहले तो ये समझा जाता था कि ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के जब ब्रेक होता है वाटर के साथ अटैच होता है, तो जो ऑक्सीजन आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से आती है। तो उन्होंने ये बात कैसे की, इसके ऊपर इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या यूज़ किया, हेवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन यूज़ की। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने टू ग्रुप बनाए प्लांट के, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन में इन्होंने ये किया कि ऑक्सीजन की जो हेवी आइसोटोप है उन्होंने हाइड्रोजन के साथ मिला के लेबॉर्टरी में वाटर बना ली, और फिर इस वाटर की रिएक्शन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन आई, उन्होंने अब ये टेस्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो भी परफॉर्म किया। यहाँ पर उन्होंने हीवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को दिए, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लैब में तैयार किया, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो बनाई, और फिर H2O के साथ इसको अटैच किया। जब ये रिएक्शन की तो हमें जो ऑक्सीजन मिला
वो हेवी आइसोटोप, आप ऑक्सीजन इसमें नहीं थे, तो वो ही हेवी आइसोटोप वाटर की जो मॉलिक्यूल बनती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन ग्रुप वन में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एटॉमिक एटमॉस्फेयर में हमें वो हेवी आइसोटोप नज़र आई। तो उन्होंने जो वीन वान नील की जो एक्सपेरिमेंट थी, जो हाइपोथेसिस दी, वो ट्रू साबित कर दी। और उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर बाहर आती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिलती, बल्कि वो हमें H2O की मॉलिक्यूल से मिलती है। सो दैट्स ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। सो अगर किसी का भी कोई भी किस तरह की भी क्वेश्चन हो, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।